और सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर ये जो हैं आर फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। और ए को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बराबर फॉर्मूला 2 पाई बाई टाइम पीरियड या 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो साइन फंक्शन है वो ये साइन या कॉस, तो कोई भी हार्मोनिक फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये साइन का कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे ये वाई, तो वाई जो है डिस्प्लेसमेंट है, और ये है यहाँ पे टी टाइम है, और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड के बराबर। और एक चक्कर लगाने के टाइम को, यहाँ तक के टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड, क्योंकि ये पूरा यहाँ से एक ये चक्कर लगाया, तो ये हो गया पूरा टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो यहाँ तक का जो होगा ये आधा ये टाइम पीरियड टी बाई टू, और ये 1/4 जो हो जाएगा टी बाई फोर। और ये इतना आसान क्वेश्चन आया था नीट में कि अगर टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये 1 सेकेंड है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ तक का टाइम अगर ये गिवन है 1 सेकेंड, तो टी बाई फोर ये मीन से मैक्सिमम तक का टाइम ये हो जाएगा टी बाई फोर, तो टी बाई फोर जो है वो हमें गिवन है 1 सेकेंड, तो टी बराबर हो जाएगा 4 सेकेंड। क्योंकि ये जीरो से यहाँ तक ये टी बाई फोर तक में मैक्सिमम है। तो ये टर्म साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है। तो ये इसका जैसे ये साइन की वेव है, तो ये इसको साइन में लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और अगर ये यहाँ पे कॉस का होगा तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये पूरा है ये टाइम पीरियड ये टी, तो ये ज़ीरो, ये टी बाई टू, और ये यहाँ पर टी बाई फोर, टी बाई फोर, और ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए, और ये माइनस है। तो अगर ये ऐसा ग्राफ होगा तो वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी।
ठीक है। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है? विच रिपीट, इट्सेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो ये हर दिन जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही, ऐसे ये घड़ी की सुइयां, तो ये सेकंड वाली सुई हर एक चक्कर लगाती है 60 सेकंड में, मिनट वाली 60 मिनट में, और आर वाली एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 12 आवर, 24 आवर नहीं, तो 12 आवर। तो बस यहाँ पे जो है सेकंड वाली निडल जो है वो 60 सेकंड्स में लगाती है चक्कर, और मिनट वाली 60 मिनट, और आर वाले 12 आवर्स। तो ये जो है ये पीरियोडिक है कि इतने टाइम के बाद वो रिपीट कर रहे हैं अपने जहाँ से चल रहे हैं, तो विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक। और ऑसिलेटरी मोशन होता है विच मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन। तो मीन पोजीशन से आगे या पीछे, तो जैसे अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम अगर यहाँ पे हंग है तो ये इसकी मीन पोजीशन है, तो अपने मीन पोजीशन के आगे और ये ऐसे पीछे, तो ये पूरा ऐसे ऑसिलेशन को कहते हैं ये। और यहाँ पे भी ऑसिलेशन में जो वन टाइम पीरियड होता है तो वो टाइम पीरियड कितना टाइम हो जाएगा, जो पेंडुलम यहाँ से अपनी मीन से मैक्सिमम तक जाए, फिर मैक्सिमम से फिर वापस आए मीन पे, फिर इधर जाए और फिर यहाँ तक, तो इतने टोटल टाइम को कहा जाता है वन टाइम पीरियड। तो इसी को वही ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि ये पहले जीरो पे था, तो जीरो से मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो पे आया, फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम दूसरी साइड गया, फिर यहाँ पे, तो इतने पूरे टाइम को कहा जाता है ये। तो किसी भी एक तरफ के टाइम को कहते हैं T/4, क्योंकि ये यहाँ तक अगर इसका टाइम पीरियड टी है तो ये मीन से मैक्सिमम तक जाने में T/4, फिर ये T/4, T/4 और ये T/4, तो टोटल टाइम पीरियड ये हो जाएगा T। तो यही क्वेश्चन इसमें भी दे सकते हैं कि अगर ये मैं मीन से यहाँ तक जाने में अगर इसको लग रहा है 1 मिनट, तो अब टाइम पीरियड कितना होगा? अगर ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम तक जाने में ये टाइम जो लग रहा है 1 मिनट, तो इसका टाइम पीरियड 4 मिनट, क्योंकि भाई T/4 ये है। और ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक, पर जरूरी नहीं है दूसरा, तो नॉट नेसेसरी दैट ऑल पीरियोडिक ऑसिलेटरी तो पीरियोडिक होंगे, पर जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक वाला भी ऑसिलेटरी हो। कोई एक एग्जांपल,
कि जो पीरियोडिक हो ऑसिलेटरी ना हो, यही सारे एग्जांपल हैं। तो जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है टू एंड फ्रो, तो मीन पोजीशन के आगे पीछे नहीं घूम रही है। ऐसे ही घड़ी की सुई भी, वो भी एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, आगे पीछे नहीं घूम रही। तो ये सब पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेटरी होता है वह अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, अर्थ एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है।